नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। टोंकखुर्द नगर परिषद की हठधर्मिता कहें या दिवालियापन को लेकर सफाई कर्मियों ने 4 से 5 दिन काम बंद कर दिया था। नतीजन सड़कों व गली मोहल्लों में फैली गंदगी से आम आवाम का जीना दुश्वार जैसा माहौल होता देखकर जिला सफाई कर्मचारी नेता के हस्तक्षेप के बाद 1 माह का वेतन दे दिया था, मगर अब फिर 2 माह बीतने आए पगार नहीं। इधर त्योहार का पर्व नजदीक आता जा रहा है, जिससे सफाई कर्मचारियों के सामने अब पेट पालने के लाले हो रहे हैं। इधर कुंभकर्णी निद्रा में मस्त नगर परिषद के जवाबदार तथा नए नवेले अधिकारी बनकर आए व कर्मचारी परिषद के सामने मुख्य देवली मार्ग पर गटर का पानी सड़क पर बहता हुआ बीते दिन से देखकर मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामले की अब सोनकक्ष की बात करें तो यहां भी सफाई कर्मियों के वेतन के लाले पड़े हैं। सोनकक्ष नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को बीते 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। वेतन भुगतान न होने से आक्रोशित कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल की। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ठाकुर मोहन सिंह बेस ने खबर समय जगत को बताया कि विगत 2 माह से वेतन नहीं देने पर कर्मचारियों को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ दैनिक वेतन भोगी संघ अध्यक्ष, हमारे संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले हमारे सब्र का बांध टूट गया। हमारी डीडी आ जाती है, डीडी को ये दूसरे उस मद में खर्च कर देते हैं। कर्मचारी का जो पैसा जो कर्मचारी के मद में खर्च करना चाहिए। सारे त्यौहार आ गए हैं, 2-2 महीने का अतिरिक्त वेतन इनके ऊपर हमारा चढ़ गया है और अब हमारी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारा 2 महीने का एक साथ वेतन का भुगतान किया जाए और हर महीने। खबर समय जगत के लिए टोंकखुर्द से हरिओम जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.